मॉर्निंग एवरीवन, मैं रमन भाटिया, प्रमोटर, शेयर होल्डर एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ सर्वोटेक पावर सिस्टम्स लिमिटेड। मैं आज इस वीडियो में आपसे शेयर करूंगा कि यूवी लाइट से कोरोना वायरस को मारा जा सकता है या नहीं। मुझे बहुत सारे मेल्स, मैसेजेस, फेसबुक पर कमेंट्स आते हैं कि लोग ये जानना चाहते हैं कि यूवी लाइट से कोरोना वायरस मर सकता है या नहीं मर सकता। तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि कोरोना वायरस है क्या और ये मर सकता है या नहीं मर सकता, ये सवाल इसके बाद आएगा। एक्चुअल में जो कोरोना वायरस है, सिंस ये बहुत पुराना है, ये आज 2020 की पैनेडेमिक जो हम देख रहे हैं, COVID-19 जिसको हम कह रहे हैं, ये पहली बार नहीं हुआ है, इससे पहले भी बहुत बार आ चुका है। इसकी 8 जनरेशन हैं, 1997 से लेके अब तक 8 जनरेशन आ चुकी हैं और हर जनरेशन का कोरोना वायरस का अलग अलग एक इतिहास है। इन 8 जनरेशन के वायरसेस को मारने के लिए हम अगर इनको यूवी लाइट से मारने की कोशिश करते हैं तो सबसे पहले हमें एक और बात समझनी पड़ेगी। सबसे पहले कि यूवी लाइट से कोई भी वायरस या बैक्टीरिया मरेगा या नहीं मरेगा, ये किस बात पर डिपेंड करता है? तो ये 3 बातों पर डिपेंड करता है। सबसे पहली बात होती है कि जो यूवी लाइट है उसकी पावर कितनी है। पावर मतलब उसकी इंटेंसिटी, उसकी ताकत कितनी है, वो कितनी ताकत से किसी भी सरफेस पे मरी जाए तो वहाँ पर बैक्टीरिया अवेलेबल है या वायरस अवेलेबल है तो वो मरेगा या नहीं मरेगा। तो सबसे पहले है पावर ऑफ द यूवी लाइट। दूसरी बात आती है कि हम उस पावर को कितनी देर तक उस सरफेस पे या उस वायरस के DNA RNA पे मारते हैं, दैट इज कॉल्ड डोज। तीसरी जो चीज़ आती है वो आता है कि आप कितने बड़े एरिया में कितनी रोशनी कितनी देर तक मारते हैं, दैट मीन्स सबसे पहली बात आती है एरिया। तो जब हम कैलकुलेशन, मैथमेटिकल कैलकुलेशन करते हैं तो इसको कैलकुलेट किया जाता है जूल्स पर मीटर स्क्वायर में। तो जूल्स पर मीटर स्क्वायर को कैलकुलेट करने के लिए इसका मतलब है 1 मीटर बाय 1 मीटर की एरिया में हम कितनी रोशनी कितनी देर तक देंगे कि वायरस मर जाएगा। तो इसकी जब हम कैलकुलेशन में आते हैं तो जितने भी वायरसेस की ये रहे हैं, 7-8 तरीके की जो जनरेशन रही है कोरोना वायरस की, अगर हम सभी जनरेशन को देखें कि कितना कितना डोज उसको रिक्वायर्ड था मरने के लिए या उसकी RNA को डिस्ट्रॉय करने के लिए, तो उसकी अगर हम एवरेज निकाल लें, सबको टोटल करके उसको डिवाइड बाय 8 कर लें, तो हमारे पास जो कैलकुलेशन आती है वो कैलकुलेशन आती है 67 जूल पर मीटर स्क्वायर। ये कैलकुलेशन फार्मूला मेरा नहीं है, ये स्टैंडर्ड स्टडीज़ हैं एंड इट इज़ अवेलेबल ऑन गूगल, यू कैन गो थ्रू एंड कैन वैलिडेट। तो 67 जूल पर मीटर स्क्वायर की जो पावर हमें चाहिए, तो अगर हम 36 वाट का एक पावर लेते हैं लैंप का, तो किसी भी लैंप की पावर हाईएस्ट जो एफिशिएंसी होती है वो 30-35%, 38%, 39% होती है, जो बहुत अच्छी क्वालिटी के लैंप्स होते हैं। सर्वोटेक जो प्रोडक्ट बना रहा है उसकी एफिशिएंसी 39% आती है एंड इट इज़ प्रूवन एंड टेस्टेड बाय एनिबल लैब कि हमारा प्रोडक्ट बैक्टीरिया और वायरसेस को 99% तक किल कर सकता है। वो हम यू कैन वेरीफाई फ्रॉम आवर वेबसाइट ऑल्सो। तो अगर 36 वाट का 39% की एफिशिएंसी वाला लैंप अगर हम लेते हैं और उससे हम वायरस 1 मीटर स्क्वायर के ऊपर अगर हम डोज देते हैं तो 42 सेकंड के अंदर वहाँ जितने भी वायरसेस या बैक्टीरिया हैं वो सब किल हो जाएंगे। ये टेस्टेड है, ट्राइड है, यू कैन चेक। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो में आप समझ पाए होंगे कि UVC लाइट क्या है, फार UVC क्या होती है, कोरोना वायरस क्या होता है, कैसे मरता है। अगर आप और ज़्यादा इन प्रोडक्ट्स के बारे में या टेक्नोलॉजी के बारे में जानना या समझना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारी अगली वीडियो ज़रूर देखें। थैंक यू।